दोस्तों एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास एक्टिवा 6G है और यहाँ से देख के आप लोगों को समझ में आता होगा 6G है। और इधर से अगर फोटो दिखा दूँ तो इधर भी देख के मालूम पड़ता है 6G है, ESP लिखा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर अगर कभी स्टार्टर स्विच खराब है, ठीक है, तो दुकान से अपन लेते हैं, दुकान वाले बोलते हैं भाई खोलने के बाद से वापस नहीं होगा। और जब बात आती है डायरेक्ट चेक करने की तो हमारे मैकेनिक भाई लोग को समझ में भी नहीं आता है कि कौन से वायर से डायरेक्ट करने का और कौन से वायर से डायरेक्ट करके चेक करने का। तो ये चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कौन से वायर से डायरेक्ट करने का। कभी ये स्टार्टर स्विच खराब हो गया तो इसके अंदर स्टार्टर स्विच भी है और किल स्विच भी है, तो किल स्विच ऑफ रहेगा तो भी स्टार्टर काम नहीं करेगा, और दोनों में से एक भी पॉइंट काम नहीं करेगा तो स्टार्टर काम नहीं करेगा। तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसा इसको चेक करने का। ये पहला वायर है, ये येलो पे ग्रीन लाइन बना हुआ हल्का सा, और दूसरा लाइन है ये ग्रीन पे येलो बना हुआ है, और तीसरा लाइन है ये व्हाइट ब्लैक पे व्हाइट है, ये तीसरा लाइन है, और चौथा लाइन है ये ग्रीन पे ब्लू है। तो ये ग्रीन पे ब्लू जो है जब किल स्विच को अपन ऑन करते हैं तो उस टाइम पे ये जो ब्लैक पे येलो व्हाइट वायर है, सॉरी ब्लैक पे व्हाइट वायर है, ये इसको कनेक्ट होता है और ECM को यहाँ से इनपुट चले जाता है। ये 12 वोल्ट यहाँ से इनपुट जाएगा, ये ब्लैक पे व्हाइट है वो वाला करंट देगा इसको, ये ऐसा स्विच रहेगा इसी पोजिशन पर रख के चेक करने का आपको। और दूसरा जब ब्रेक मारेंगे, ये ब्रेक स्विच पे दिखा दो, ये ब्रेक स्विच के अंदर इसका कलर कोड रहेगा ग्रीन पे येल्लो, ये ब्रेक स्विच का वायर होता है। जब चाबी चालू करेंगे तो काले वायर में करंट आ गया, जब ब्रेक मारेंगे तो इस वायर के अंदर करंट आता है, ग्रीन पे येल्लो है, ठीक है। ये वायर इसके अंदर भी आता है ये स्विच में, ये नीचे से तीसरा नंबर पे, और यही ब्रेक स्विच में भी जाता है। और चौथा वायर जो है ये येल्लो पे ग्रीन है, ये स्टार्टर स्विच के लिए जाता है, रिले में जाता है। तो अभी चेक करने का, तो कैसा चेक करने का वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने एक बल्ब लिया, इसको अर्थिंग यहाँ पे लगा दिया और चाबी को ऑन रखा हूँ। चाबी को ऑन रखूंगा तो इसके अंदर जो ब्लैक पे व्हाइट है इसके अंदर कंटिन्यू करंट रहेगा, ये करंट जाएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर और लगाता हूँ तो ग्रीन पे येल्लो है जो ब्रेक स्विच का वायर है, इसके अंदर कनेक्ट किया इसको, ठीक है। इसको ब्रेक मारेंगे तो करंट आएगा, ये दो वायर में करंट आ गया है, दो इनपुट हो गया स्विच के अंदर। ये आउटपुट है, पहला वायर येलो पे ब्लू है ये आउटपुट है, और येलो पे ग्रीन है ये भी आउटपुट है। ये किस काम के लिए आता है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। कभी अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना है दोस्तों, ये येलो पे ग्रीन लाइन बना हुआ है, जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन पे येल्लो है, ये ब्रेक स्विच का वायर आता है, जब भी इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बल्ब जलता हुआ दिखेगा और गाड़ी भी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वायर को ग्रीन और येल्लो है, इसको और येल्लो पे ग्रीन है, ये वायर स्टार्टर के लिए हो जाता है और ये वायर स्टार्ट अपना किल स्विच के लिए होता है। तो इसको क्या करने का दोस्तों, ये स्विच सीधा है बराबर, तो येल्लो पे ब्लू है उसके अंदर एक वायर डाला मैंने, और दूसरा नंबर का वायर है ब्लैक पे व्हाइट, उसके अंदर वायर डाला, ठीक है। ये किल स्विच डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो अभी करूँगा ये स्टार्टर के लिए मैं करूँगा। दोस्तों स्टार्टर स्विच को मैंने सीधा रखा हूँ, उसी पोजिशन पर रहता है। तो पहला वायर जो है येल्लो पे ब्लू लाइन बना हुआ है, और दूसरा लाइन ब्लैक पे व्हाइट है, और तीसरा लाइन ग्रीन पे येल्लो है, और चौथा लाइन जो है वो येल्लो पे ब्लू है, येल्लो पे ग्रीन है सॉरी पहला लाइन, ठीक है। तो ये आपस में दोनों जो कनेक्ट किया हूँ, ये किल स्विच को मैंने डायरेक्ट किया, और दूसरे लाइन को जो किया हूँ वो स्टार्टर के लिए किया हूँ। अब ये चाबी को मैं चालू करूँगा और यहाँ दिखा दो, खाली ये ब्रेक मारूंगा और एक सेल्फ चालू हो गया, गाड़ी भी चालू हो गया, ठीक है। कभी भी अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना है तो इसी स्टेप में करने का, पहले वायर दो जो है उसको आपस में कनेक्ट कर देना है, और दूसरे वायर को कनेक्ट करेंगे तो वो जाके सेल्फ स्विच का काम करेगा, पहले किल स्विच को डायरेक्ट करने का, बाद में स्टार्टर करने का। वीडियो अगर अच्छा लगे वापस दिखा दो, अगर वापस दिखा, चाबी को ऑन किया और स्विच को दबाने रहा हूँ, और यहाँ से खाली ब्रेक मारूंगा, गाड़ी स्टार्ट हो गया, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।